लेकिन मेरी एक शर्त है कि जिस वाहन में जिस टोली में तुम बैठ के आओगे और टोली को महात्मा कंधा बदल के लाएंगे, नाश की नींव जमा दी। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, अगर संत का सम्मान न कर पाओ तो कभी जीवन में साधु का अपमान मत करना। कंधा पे का बताई, महात्मा को कंधा पे बैठ गई हो, मैं घर तक आओ तो। लेकिन राजा नौ समझा हो रहा था मध में चुप था। श्रोता बंधु, हमारे विचित्र मुनि जी की तरफ से नामू बढ़िया है। हाँ, वास्तव में विचित्र ही है। हाँ, क्या तो लोलिन तो मट्टी खराब कर लिया शास्त्र ने की। हाँ, क्यों तो शास्त्र को बेच रहे हैं, बगड़िया को बेच रहे हैं। बोले नाथ चंदू हेलो। ध्यान रखना श्रोता बंधु, भगवान का स्मरण परीक्षा जी सबको करना पड़ेगा। लेकिन कारण क्या है, जो चतुर होते हैं वो पहले सोच ले जाते हैं और कजू तो तब सोच बात है, तब पूरी भैंस पानी में चली जाते हैं। ऐसे ही एक बार एक पंडित जी थे, सुनो जी परीक्षा जी, दृष्टांत बहुत अच्छा है। पंडित जी पढ़ के आए थे काशी से, जितनी पुराण शास्त्र वेद पूरी गठरिया बांधे साफ ऊपर मुड़े पैदल चलते हैं, ताकि कोई जी जाने का तो पड़ गए। फिर नदी के किनारे आए, नदी किनारे सुबाया सो नरेंद्र बाल बालक और पंडित ले बैठा हुई इंदला पल्ले उतारते हो, आप बाबा बताते हैं आ जाओ जरा जाकर ठरिए डाल लेता है किताब भी है किताब में पकड़ लिया धरली नाम में और जो मोबाइल बना वे लेके चलो ने कई नाम ही तो पंडित बोले गला क्यों पढ़ तो है बाबा मैं ना पढ़ो और ही पढ़ो ही ना कहना है बिल्कुल ना ने को नाम चली गला तो पढ़ो ना है तू है कि बाबा मैं ना पढ़ो। फिर बाप बालक ने लौट के पूछी कि बाबा तुम कितने पढ़े हो, ए लला मन तो कोई पढ़ाई छोड़ी हो नहीं देख ले किताब ना बिगड़ी तो सब पढ़ की लौटे तो तेरे नाम पहुंच गई बीच में और जब बीच में नाम पहुंची अब बीच तरे में जब छेद करो जाकर पानी मारो नाम ने ऊपर हो। वह बालक ने कही कि बाबा सब पढ़े हो सब पढ़े पैर बहुत जानता हो के बस लला जे ही रहेंगे तो बाबा जरूरत तो हो जाएगी पढ़ाई के जब नाम में पानी भर रहा है और बीच नदी में नाम है तो बाबा जरूरत तो जाएगी पढ़ाई के बस लला जे ही पढ़ाई रहेगी वो फिर तो ध्यान रखना ये भव सागर है जब तक राम के नाम को हृदय में धारण नहीं करोगे तब तक ये सागर पार नहीं होगा नहीं होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान रखना श्रोता बंधु, जिस समय